अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ईशान और आप देख रहे हैं फैक्ट स्टैंड। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनिमेशन मूवीज में ऐसी चीजों के बारे में जो दूसरी कंट्रीज में चेंज कर दी गई थी। ज्यादातर एनिमेशन मूवीज अमेरिका में बनती हैं, इसलिए इसमें दिखाया जाने वाला कल्चर अमेरिकन कल्चर होता है, लेकिन चूंकि दूसरी कंट्रीज का कल्चर चेंज होता है इसलिए इन एनिमेशन मूवीज को दूसरी कंट्रीज के लिए थोड़ा बहुत चेंज कर दिया जाता है। तो बगैर वक्त जाया किए चलिए शुरू करते हैं अपनी लिस्ट को। ज़ूटोपिया। इस मूवी के अंदर एक मूस के कैरेक्टर को दूसरी कंट्रीज में चेंज कर दिया गया था। जैसे फॉर एग्जांपल चाइना में जब इस एनिमेशन मूवी को रिलीज किया गया तो इस मूस के कैरेक्टर को पांडा से बदल दिया गया था। ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया था क्योंकि पांडा चाइना का नेशनल एनिमल है और वो लोगों को वहाँ बहुत ज्यादा पसंद है। हमारी लिस्ट में नेक्स्ट एनिमेशन मूवी है अप। इस मूवी को प्राइमरीली इंग्लिश में रिलीज किया गया था जबकि दूसरे मुल्कों ने इस पर अपनी जुबान के मुताबिक डबिंग की। इन मूवीज पर डबिंग करना आसान होता है लेकिन इसमें लिखे हुए इंग्लिश अल्फाज और साइंस को चेंज करना मुश्किल होता है। इस मूवी के अंदर एक जार था जिसके ऊपर लिखा था पैराडाइज फॉल्स। क्योंकि दूसरी कंट्रीज के लोग इसको नहीं समझ सकते थे इसलिए इसको उस लोकेशन की पिक्चर के साथ चेंज कर दिया गया। इनसाइड आउट। ब्रोकली जो एक किस्म की सब्जी है ये अमेरिका में बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं और वालदैन इनको फोर्स करके खिलाते हैं। इस सीन के अंदर आप देख सकते हैं कि वालिद अपनी बच्ची को ब्रोकली खिलाने की कोशिश कर रहा है। इस सीन को जापान के अंदर चेंज किया गया था। चूंकि जापान में बच्चे ब्रोकली बड़े शौक से खाते हैं इसलिए इस सीन में ब्रोकली को सब्ज़ मिर्च के साथ चेंज कर दिया गया। इस सीन को सिर्फ जापान के लिए चेंज किया गया था। इसी एनिमेशन मूवी इनसाइड आउट के अंदर एक और सीन को भी चेंज किया गया था। आइस हॉकी अमेरिका और कनाडा का बहुत पसंदीदा खेल है। इन मुल्कों के लोग ये खेल बड़ी शौक से देखते हैं और आइस हॉकी का कोई भी गेम मिस नहीं करते। इनसाइड आउट मूवी के एक सीन के अंदर आइस हॉकी का मैच दिखाया गया है। ये सीन अमेरिका और कनाडा के लिए तो ठीक था लेकिन बाकी दुनिया के लिए इस सीन को फुटबॉल के साथ चेंज कर दिया गया था क्योंकि फुटबॉल एक बहुत ही मशहूर खेल है और दुनिया के तकरीबन तमाम इलाकों में खेला जाता है। मॉन्स्टर यूनिवर्सिटी। मॉन्स्टर यूनिवर्सिटी एक और ऐसा केस है जहां पर क्रिएटर्स को रिटन वर्ड्स को चेंज करना पड़ा था। मूवी का वो वर्जन जो अमेरिका में रिलीज हुआ था उसके एक सीन के अंदर दीवार पर स्केयर गेम्स पेंट हुआ था। चूंकि क्रिएटर्स इसको हर लैंग्वेज में चेंज नहीं कर सकते थे इसलिए क्रिएटर्स ने इसको यूनानी अल्फाज के साथ चेंज कर दिया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि यूनानी अल्फाज समझने में बहुत ईजी होते हैं। इसी एनिमेशन मूवी के एक और सीन में लेटर्स को चेंज किया गया था। इस फिल्म के ओरिजिनल वर्जन में एक सीन जिसमें कप किक दिखाए गए हैं, इन कप किक पर लिखा हुआ है बी माई पॉल जिसका मतलब है मेरे दोस्त बनो, लेकिन इस फिल्म के वो वर्जन जो दूसरी कंट्रीज में रिलीज किए गए थे उसमें लेटर्स की जगह कपकेक पर मिनियंस की शक्लें लगा दी गई थी। टॉय स्टोरी 2। टॉय स्टोरी एक ऐसी एनिमेशन मूवी है जिसमें जब कोई भी नहीं होता तो खिलौने जिंदा हो जाते हैं। इस मूवी के अंदर बज लाइटियर नाम का खिलौना एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट होता है, इसलिए इस मूवी को दूसरी कंट्रीज में चलाने के लिए कुछ तब्दीलियां चाहिए थी। इस सीन के अंदर बज लाइटियर के पीछे अमेरिका का फ्लैग है और बैकग्राउंड में अमेरिका का नेशनल एंथम चल रहा होता है। दूसरी कंट्रीज के लिए इस मूवी में अमेरिका के फ्लैग की जगह दुनिया का नक्शा लगाया गया है जबकि अमेरिका के नेशनल एंथम को भी दूसरे गानों से तब्दील किया गया है। रैकेट रल्फ। रैकेट रल्फ वीडियो गेम पर बेस्ड एक एनिमेशन मूवी थी जिसमें बहुत ज्यादा जापानीज वीडियो गेम्स भी शामिल थी। इस फिल्म का एक कैरेक्टर जिसका रोल इतना बड़ा तो नहीं था लेकिन उसको जापान में चेंज कर दिया गया था। इस कैरेक्टर का नाम मिंटी जैकी था। जापान में इस कैरेक्टर का लास्ट नाम सकुरा में चेंज कर दिया गया था जबकि इसके कैरेक्टर को भी टोटली डिफरेंट बना दिया था। नीचे कमेंट्स में बताएं कि आपने इनमें से कौन कौन सी एनिमेशन मूवी देखी है और आपकी फेवरेट एनिमेटेड मूवी कौन सी है। और बस यही था आज का वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें। अल्लाह हाफिज़।